वेलकम टू माई क्लास द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट को टेकअप करूंगा एंड दिस इज लेक्चर नंबर फोर्टी सिक्स लेट्स मूव ऑन टू consideration unlawful in part consideration unlawful in part section 24 57 and 58 of the indian contract act deal with those cases where the same agreement contains both legal and illegal terms that is it is partly legal and partly illegal indian contract act can that section 24 57 or 58 yet you know डील करते हैं कि एक एग्रीमेंट के अंदर लीगल बात भी कही गई है और इलीगल बात भी कही गई है इट मींस कुछ हद तक ये लीगल है और कुछ हद तक यहां पर इलीगल बात कही गई है सो एग्रीमेंट अनलॉफुल इन पार्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन ट्वेंटी फोर इफ द लीगल पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द इलीगल पार्ट एंड इफ देयर आर सेवरल ऑब्जेक्ट्स बट देयर इज ए सिंगल कंसिडरेशन एग्रीमेंट इज वार्ड इफ एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल किसी अग्रीमेंट के अंदर दो पार्ट है एक पार्ट लीगल है और दूसरा पार्ट इलीगल है लेकिन इन दोनों पार्ट को हम सेपरेट नहीं कर सकते और अगर इस एग्रीमेंट के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं मीन्स बहुत सारे काम करने के, के लिए कहा गया है लेकिन कंसिडरेशन सिंगल है यहां पर यह एग्रीमेंट वार डिक्लेयर कर दिया जाएगा अगर उनमें से एक भी ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है आइएगा इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं मिस्टर ए सुपरवाइज द बिजनेस ऑफ मिस्टर बी हु मैन्युफैक्चर सर्टेन लाइसेंस्ड केमिकल्स एंड सम कॉन्ट्रोबैंड आइटम्स मिस्टर ए मिस्टर बी के बिजनेस को सुपरवाइज करेगा मिस्टर बी मैन्युफैक्चर करता है कुछ लाइसेंस केमिकल्स को और कुछ कॉन्ट्रोबैंड कॉन्ट्रोबैंड मीन जिन चीजों को बैन किया गया है उन आइटम्स को भी ये प्रोड्यूस करेगा मिस्टर बी इन कंसिडरेशन पर मंथ मिस्टर बी मिस्टर ए को बिजनेस को सुपरवाइज करने के लिए पच्चीस हजार रुपया पर मंथ देगा दिस एग्रीमेंट इज वॉइड वे एग्रीमेंट व्यर्थ है बेकार है यूजलेस है बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ एज प्रोमिस फॉर बीस प्रॉमस बींग इन पार्ट अनलॉफुल स्टूडेंट यहाँ पे नोट कीजिएगा यहाँ पर दो काम इकट्ठे हैं एक लाइसेंस केमिकल को सुपरवाइज करना है और दूसरा बैंड आइटम्स की प्रोडक्शन को सुपरवाइज करना है सो so यहाँ पर लॉफुल काम को करने की बात कही गई है और अनलॉफुल काम को करने की बात भी कही गई है और इसके अंदर कंसिडरेशन सिंगल है दोनों कामों के लिए अलग अलग पैसा नहीं दिया जा रहा बल्कि इकट्ठा दिया जा रहा है और हमें प्रीवियस स्लाइड के ऊपर यह कहा गया था इफ द लीगल पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द इलीगल पार्ट लीगल पार्ट तो हमारा है केमिकल को प्रोड्यूस करना और इलीगल पार्ट है काउंटर आइटम्स को प्रोड्यूस करना बैंड आइटम्स को प्रोड्यूस करना सो so, पहला पॉइंट तो कवर हो गया एंड इफ देर आर सेवरल ऑब्जेक्ट्स बट देर इज सिंगल कंसिडरेशन यहाँ पर काम तो दो कहे गए हैं लेकिन उसके लिए अमाउंट पच्चीस हजार रुपए का एक पे किया जा रहा है सो so, एग्रीमेंट के अंदर लीगल पार्ट भी है और इलीगल पार्ट भी है और काम एक ही जगह पे हो रहा है तो इस काम को सेपरेट नहीं किया जा सकता और इसके लिए पच्चीस हजार रुपए की कंसिडरेशन मिल रही है देन द एग्रीमेंट इज वायड इफ एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल तब ये अग्रीमेंट व्यर्थ कहलाएगा बेकार कहलाएगा अगर इसमें एक भी ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है जो बैंड आइटम्स को प्रोड्यूस करने का काम है दैट इज अनलॉफुल सो दिस एग्रीमेंट इज वार्ड हमने इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को टेकअप किया था सेक्शन 57, सेवन वेयर देर इज ए प्रोमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो थिंग्स इीगल द लीगल पार्ट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड द इीगल पार्ट इज ए वर्ड एग्रीमेंट जिस वचन के अंदर लीगल काम और इलीगल काम को करने के लिए कहा गया है वहां पर लीगल काम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इलीगल काम वर्ड एग्रीमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इस पॉइंट के लिए मैं एक एग्जांपल को टेकअप कर रहा हूँ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट दैट मिस्टर ए शैल रेंट ए हाउस टू मिस्टर बी फॉर रेजिडेंशियल पर्पस फॉर रुपीस वन पर मंथ बट इफ मिस्टर बी यूजेस इट एज ए गैमलिंग हाउस ही शैल पे रुपीज फाइव लैख फॉर इट मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपना घर किराये पर दिया अगर मिस्टर बी इसको रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज करेगा तो मिस्टर बी एक लाख रुपया पर मंथ देगा अगर मिस्टर बी इसको जुआ घर के लिए यूज करेगा तो मिस्टर बी मिस्टर ए को पांच लाख रुपया पर मंथ देगा द फर्स्ट सेट ऑफ प्रोमिस नेमली टू रेंट द हाउस एंड टू पे रुपीज वन लैख फॉर इट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो पहले सेट ऑफ प्रॉमिस है जिसके अंदर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए घर को यूज़ किया जाएगा और मिस्टर बी एक लाख रुपया पर मंथ इस घर का किराया देगा दिस इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द सेकेंड सेट ऑफ प्रामिस बीग एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट नेमली दैट मिस्टर बी मे यूज़ द हाउस फॉर गैमलिंग पर्पज इज़ अ वर्ड एग्रीमेंट सेकेंड सेट ऑफ प्रोमिस के अंदर जहां पर मिस्टर ए मिस्टर बी को अपना घर किराए पे दे रहा है और मिस्टर बी उस घर को जुआ घर के लिए यूज कर रहा है दैट सेट ऑफ प्रोमिस इज अवॉयड एग्रीमेंट आप सेम चीज को इस जगह के ऊपर देखेंगे वी हैव टू पार्टीज मिस्टर ए एन मिस्टर बी मिस्टर ए रेंट्स आउट हिज हाउस टू मिस्टर बी ए ने अपना घर मिस्टर बी को किराए पे दिया रेंट शेल बी रूपीज वन लैख पर मंथ इफ यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पज रेंट शेल बी रूपीज फाइव लैख पर मंथ If used for gambling purpose, here first set of promise it is a valid contract and second set of promise this is a void agreement because the object is unlawful. Agreement unlawful in part, section 58. Alternate promise one branch being illegal. In case of an alternate promise, one branch of which is legal and the other illegal, the legal branch alone can be enforced. एक प्रॉमिस के अंदर दो चीजों को करने के लिए कहा गया है जिसमें से एक काम लीगल है और दूसरा काम इलीगल है यहां पर हम सिर्फ लीगल पार्ट को ही एनफोर्स कर सकते हैं लागू कर सकते हैं लेट्स टेक अप एन एग्जाम्पल मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एग्रीड मिस्टर ए शैल पे बी रूपीज वन लैक फॉर विच मिस्टर बी शैल आफ्टरवर्ड डिलीवर टू मिटर आर स्मगल्ड ओपियम मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ एग्री करता है कि ए बी को एक लाख रुपया देगा जिसके अंदर मिस्टर बी उसे बाद में या तो राइस सप्लाई करेगा या स्मगल्ड ओपियम अफीम को सप्लाई करेगा देर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर राइस जहाँ तक राइस को डिलीवर करने की बात है दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड ए वाइड एज वेल एज इीगल एग्रीमेंट टू डिलीवर ओपियम और जहाँ तक ओपियम अफीम को डिलीवर करने की बात है ये वाइड भी है और ये एक इलीगल एग्रीमेंट भी है यहां पर हम राइस वाले पार्ट को लीगल ब्रांच मान सकते हैं एंड इट अलोन कैन बी एनफोर्स जहां तक ओपियम को अफीम को सप्लाई करने की बात है ये वाइड एग्रीमेंट भी है और इसी के साथ साथ इलीगल एग्रीमेंट भी है नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस समरी कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट स्टूडेंट हमने इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर तीन सेक्शन को कवर किया है सेक्शन 24, 57 एंड 58 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील विद दो केसेस वेयर द सेम एग्रीमेंट कंटेन्स बोथ लीगल एंड इलीगल टर्म्स दैट इज इट इज पार्टली लीगल एंड पार्टली इलीगल मैं उम्मीद करूंगा दिस वीडियो लेक्चर विल मेक दिस पर्टिकुलर थिंग इजी टू अंडरस्टैंड थैंक यू वेरी मच